हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। तो गाइस, आज का ब्लॉग शुरू करी, मैं मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे पूनम ने दीवार पे छिपकली बनाई है। सम्मू को छिपकली देखना बहुत पसंद है। सम्मू देख, उंगली नहीं काटेगी, देख, नहीं काटेगी, नहीं काटती बाबू, बगा रहा है। ये कॉकरोच आटे से बन रहे हैं। क्या करना है? चाकू से नहीं छेड़ते, चाकू से उंगली कट जाती है। अब छिपली खाएगी कॉकरोच को। छिपली तो ऐसा मर गई। दीवार पे पिचका दी। मछली नहीं लग रही है। छिपकली की पूंछ तो टूटने वाली है अभी। आग नहीं बना रही, काले काले कोई बीज रख डाल दे। वॉच भी बनानी है, इतना वो थोड़े ना आटा। तो अभी सीमान जा रखा नहाने, उसकी मम्मी नहला रही है उसको। उसके बाद घर का सारा काम तो हो चुका है, तो अब सिवा नहा रहा है, फिर उसकी मम्मी नहाएगी, फिर मैं नहाऊंगी, फिर बनाएंगे दिन का खाना। यहाँ पे हम सब ने नहा धो लिया है, अब बनाते हैं दिन का खाना। तो यहाँ पे गूंद रही है दीपिका आटा, सिवान खेल रहा है यहाँ। शिवो काट रही है भिंडी, चिमटी निकाल रहा है। तो हमारा दिन का खाना बन रहा है गाइस, क्योंकि दिन में आज हम रोटी खाएंगे, चावल नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे भिंडी काट ली है, लंबी है, गोल, दोनों टाइप। तो अब बनाते हैं सिंपल सी सब्जी भिंडी की। तो मस्टर्ड ऑयल फॉर्चून का मंगा रखा है घर में बेटे ने, ऑनलाइन मंगाता है। इसको मैं बोतल में डाल दूंगी, उसमें भी भिंडी ही बननी है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख के सरसों का तेल रख दिया है, इसको होने देंगे गरम। तेल हो गया गरम, इसमें डाली जीरा, मस्टर्ड सीड। डाल देंगे भिंडी, मिर्ची कमी डालेंगे क्योंकि सुबह को ज्यादा मिर्ची नहीं देते। सुबह भी भिंडी खाएगा तो भिंडी बहुत पसंद है, फिर मिर्च थोड़ा सा डालिए, हरी नहीं डालिए। हल्दी पाउडर, धनिया, अमचूर पाउडर डालिए थोड़ा सा। इतने ही मसाले से हमारी भिंडी बन जाएगी बिल्कुल टेस्टी। इसमें हमने प्याज नहीं डाला है।
यहाँ पे भिंडी तैयार हो गई बनके, पक गई। अब बनाएंगे रोटी। तो यहाँ पे रोटियाँ भी बन गई हैं, अब खाते हैं दिन का लंच। सेम आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी और सादे परांठे, यह है दिन का लंच। यहाँ पे खा रहे हैं दिन का लंच। शिवांश अचार भी लिया हमने साथ में। तो यहाँ पे बना रहे हैं हम पाव भाजी, जो कि मैंने आपको दिखाई नहीं, सारी सब्जियां इसमें गोभी, मटर, गाजर, चुकंदर और क्या आलू, मटर, आलू, मटर, गाजर, चुकंदर और गोभी और गाजर बोलता था गाजर। तो इसके आज बना रहे हम पाव भाजी। पाव तो बाद बनाएंगे, भाजी बना रहे हैं बस। यहाँ पे पनीर भी काटा है, पनीर लेके आए, पनीर भी डालेंगे हम पाव भाजी में। यहाँ पे तेल डाला है, थोड़ा डालेंगे मक्खन। इसके बाद डाल रहे प्याज बारीक चॉप करा हुआ। सब्जियों को हमने नमक डाल के सीटी लगवा दी है। पहले डाड़ू से कर दो ना, थोड़ा हल्का ठंडा हो जाएगा तो उससे अच्छे से मैश कर लेंगे सब्जी को। पहले प्याज डालेंगे, प्याज से नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। कश्मीरी लाल मिर्च, पाव भाजी मसाला, तो नमक हमने सब्जी जब बॉईल करने रख दी सब्जी में डालते हैं, इसमें थोड़ा ही नमक डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट, डालेंगे सब्जी। पानी डालो, उसमें पानी अच्छे से करेंगे मिक्स।
थोड़ा सा हमने पानी डाला है, थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि ज्यादा गाढ़ी सही नहीं लगती, थोड़ा पतला ही अच्छा लगता ना पतला। इसकी थिकनेस जो है इस तरह है, अभी थोड़ा पकेगा। पनीर डाल दिए साथ में, थोड़ा भाजी बन गई तो पाव भी साथ में हो रहे हैं गरम। तो गाइस रात हो चुकी है, तो रात को बनाया था हमने आज पाव भाजी, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलती हूँ अगली रेसिपी ना अगले ब्लॉग में, तब तक ले बाय गाइस, टेक केयर, जय सीताराम, श्री राधे राधे।